तो हम लोग जिंदा फिश खरीद रहे हैं यहाँ से। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सऊदी अरब में फिश फार्मिंग जहाँ होती है वहाँ हम आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें फिश भी लेना है। और आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि सऊदी अरब में कैसे फिशिंग होती है, यहाँ पे कैसे फिशिंग की फार्मिंग की जाती है, ए टू जेड जो प्रोसेस है इसका वो बताएंगे। यहाँ पे अंडे से बच्चे कैसे होते हैं और बच्चे से कैसे मछली को डाली जाती है बड़े होने के लिए, तो ये आपको हम पूरा बताएंगे। और ये अलखर्ज के अराउंड के आसपास अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ आके जिंदा मछली भी ले सकते हैं, 20 किलो मिलती है। और स्पेशली अगर आप जब फ्राइडे को यहाँ पे आए तो फ्राइडे को 2 बजे के बाद आने की कोशिश करें, क्योंकि 2 बजे के बाद खुलती है और नॉर्मल दिन में खुला रहता है। तो यहाँ का जो फुल प्रोसेस है आपको हम बताएंगे वीडियो में। और हमारे साथ में फैयाज भी आए हैं, फैयाज कुछ बोलेंगे। तो आज हम लोग आए हैं फ़िश फार्मिंग में। तो फ़िश फार्मिंग आज हम लोग का कुछ अलग टाइप का वीडियो होने वाला है। आज बहुत ही इंफॉर्मेशन फुल, बहुत ही नॉलेजबल वीडियो ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग फ़िश फार्मिंग में आए हैं। इससे पहले तो हम लोग मार्केट जाते थे और मार्केट से मछली खरीद लेते थे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हम लोग विज़िट करके अपने हाथों से देख के जिंदा मछली पकड़ के। मछली का जो अंडे से बच्चा बनता है कैसे बनता है, पूछते हैं कैसे बनता है भाई यार बच्चा मछली का। वो उधर मछली है। हाँ हाँ, वो मछली अंडा देता है उधर, बहुत आदमी है। हाँ, वो उठाता है इधर लेके आके डालता है। ये जो इसमें डालते हैं जो मछली को, कितना वक्त लगता है ये सबको? 3 दिन में बच्चा आ जाता है। 3 दिन में आता है बच्चा? और ये कितने दिन में बड़ा हो जाएगा? ये कितना टाइम लगता है एक मछली को? एक टाइम 1 मंथ अंडा देने में नहीं, बड़ा होने में वो 6 महीना लगता है। 6 महीना ये बच्चा 6 महीना लगेगा। हाँ, इस बच्चे को 6 महीने लगेगा अभी ये 0.5 किलो होने में मतलब। हाँ, ये कौन सा मछली है सर? सब तेलापिया। सब तेलापिया है ना। अच्छा, मछली का एक ही वैरायटी के बहुत सारे वैरायटी है? ये इधर एक ही वैरायटी है। अच्छा, इधर इसका ये प्रक्रिया है ना? ये सब बच्चा वो अंडा से निकला। देखिए, ये सब अंडा से बच्चा की प्रोग्रेस होती है। देखिए, इतना अच्छा सिस्टम बनाया गया है। पेप्सी की बोतल में अंडा डाल के बच्चे को पैदा किया जाता है। वो उधर का बच्चा इधर लेके आके डालता है, 1 दिन रहता। अच्छा, यहाँ पे 1 दिन रहता, उसके बाद फिर उसको डाल देते हैं? हाँ, उसके बाद इधर हॉस्पिटल का। हाँ, चलिए आप जाके देखते हैं मछली पकड़ के हाथ में कैसे लगता है मछली हाथ में। सऊदी में मछली पकड़ रहे जिंदा। ये देखिए, ये सब तिलापिया फिश है यहाँ सऊदी में। काटा भी है भाई। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हमेशा अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं। चलिए आप कुछ व्यू दिखाते हैं यहाँ पर फिश का। चलिए, ये सब फिश है। जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, तो जब छुट्टी मिलती थी स्कूल से या मदरसा से, तो हम लोग तालाब में या नदी में जाते थे मछली मारने। तो यहाँ आके वैसा ही लग रहा है कि यहाँ पर वही वाला फीलिंग और वही वाला एहसास आ रहा है यहाँ पर, कि हम लोग का बचपन याद आ गया इसको देख के। फिर सऊदी में ऐसा लग रहा है कि अभी हम फिलहाल इंडिया में हैं। वैसे ही आसपास में पोखर है, गड्ढे हैं, पानी है और ग्रीन ग्रीन बना हुआ है। देखिए आप,
पाउंड है, इसके अंदर भी मछली है बहुत। यहाँ पे आने के बाद हम पूरा इंडिया ऐसा फील आ रहा है। यहाँ पे आसपास पूरा पोखर ही है और गाछ बीच है, सब कुछ है। अब पानी की खुशबू वैसे ही आ रही है, जैसे हम लोग गाँव में जाते थे तो पानी की खुशबू आती थी, वैसे ही पानी की खुशबू आ रही है। और इस पर इस साइड देखिए, जैसे पोखर सूख जाती है हम लोग के खेत में, वैसे ही बना हुआ ये। हम लोग जैसे पोखर में तालाब के पास पगडंडी हुआ करता था रास्ता, भिंडा जिसको बोलते हैं अपना ठेठी भाषा में भिंडा, उसी पर हम लोग चलते थे। बिल्कुल इंडिया जैसा फीलिंग है, हम लोग का बचपन का याद आ गया। ये तूत का पेड़, ये ग्रीन ग्रीन घास। अगर यहाँ पे आते हैं तो आप मछली भी ले सकते हैं, यहाँ मछली मिलती है, ये जिंदा मछली तिलापिया। यहाँ देखिए मछली का छोटा बच्चा सा भैया, इसको बोलते हैं हम लोग इंडिया में जियोड़ा। अब यहाँ पे मछली के खाने के लिए सब दाने हैं, उसके दाने रखे हुए हैं। तो कुछ ऐसा था यहाँ पे फिश फार्मिंग का, आपने पूरा देखा वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।